पूजा भारती को आखिर न्याय कब मिलेगा? ये सवाल अब पूरे झारखंड के अलग अलग जगहों पर उठने लगा है। एक और जहां गोड्डा में पूजा भारती को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए गोड्डा में शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बनाया गया। देखो, बस वादे पर वादा हो रहा है और कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा भद्दा एग्जाम्पल बने, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा अमानवीय घटना है और ये आगे भी नहीं होना चाहिए। और इसको तो अभी तुरंत न्याय मिलना ही चाहिए और 72 घंटे तक हम इंतज़ार करेंगे कि न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर सामने आएंगे, और क्योंकि पूजा भारती को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। और वहीं रामगढ़ में भी कैंडल मार्च जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। सभी महिलाओं ने एक स्वर में प्रशासन से मांग की पूजा भारती के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं वैश्य संघर्ष मोर्चा ने भी प्रेस वार्ता कर पूजा भारती हत्याकांड के सीबीआई जांच की मांग की है। 11 जनवरी को रात को रामगढ़ जिले के पतरातू डैम में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉक्टर पूजा भारती की वहाँ लाश रात को मिली। चूँकि पूरे घटनाक्रम से एहसास होता है, पता चलता है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है, और यह पूरा प्रकरण, यह घटना हमारे समाज के लिए ही दुख भरा नहीं है, बल्कि ये झारखंड के लिए काफ़ी शर्मनाक है। हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन हो और मामले को मोड़ा ना जाए, घुमाया ना जाए। अगर सरकार इस मामले में सक्षम नहीं है तो सीबीआई की जांच हो